हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखो इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब वो कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इनको किससे मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे हम इनको मल्टीप्लाई करें और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब की कहानी हमें पता है कि वो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो तीन तीन के पेयर्स में वो बनना चाहिए हमारा, ठीक है ना, पता है ये बात। तो ये देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा ये 2, 4, 3 है, तो हमें क्या करना है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लो। देखो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, यहाँ पर 2, 4, 3 हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये ऑड नंबर है लास्ट में, तो यानी कि ये 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाने के लिए इनको ऐड करो, देखते हैं 3 पे जाएगा कि नहीं। 4 और 2, 6, 6 और 3, 9, 9 3 पे जाता है, तो यानी कि 3 पे जाएगा। 3, 8 24 एंड 3, 1 3। फिर अगेन देखो 81 3 पे ही जाएगा, 3, 2 6 एंड 3, 7 21। फिर 3 पे जाएगा, 3, 9 एंड 3, 3 एंड 1, ठीक है। तो 2, 4, 3 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास वो क्या बन रहे हैं, 3 × 3 × 3 और 3 और ये 3, देखो 3 और ये 2। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये पेयर बन रहा है पूरा, ये 2 रह गए यहाँ, ये भी 3 होने चाहिए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा हमारे पास ये वाला। तो एक्चुअली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाए और फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक 3 और आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि क्या नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 4, 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3, किस लिए, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बात समझ रहे हो या नहीं बताओ जरा। ये देखो ना यहाँ ये 2 रह गए ना, 1 और 3 अगर लग जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, लेकिन यहाँ 3 का मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी के तो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, अपने से थोड़ी यहाँ 3 लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ 3 कब आएगा, एक एक्स्ट्रा, जब हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, आपका आंसर तो क्या है इसमें, ये 3 आंसर आ गया इसका, क्योंकि जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर क्या है, 3 है। अब बात को समझते हैं कि इसमें ये तो इसने नहीं बोला कि वो परफेक्ट क्यूब भी बताओ क्या होगा। जैसे स्क्वेयर रूट वाले क्वेश्चंस में तो क्या होता था, जब हमने स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट वाले क्वेश्चन किए थे वहां पर तो कहता था स्मॉलेस्ट नंबर बताओ किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, और वो स्क्वेयर नंबर भी बताना होता था। तो यहाँ नहीं पूछ रहा वो आपसे क्यूब वाले नंबर्स, लेकिन फिर भी अगर परफेक्ट क्यूब का आपसे पूछ ले पेपर में कि क्या होगा, तो आपने क्या करना है, देखो 2, 4, 3 को किससे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा ये, 3, 3 9, 3, 4 12 एंड 3, 2 6 और 1 कितना हो जाएगा ये, 7। तो ये 7, 2, 9 है हमारे पास अब जो नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब है। और वो कैसे आया परफेक्ट क्यूब बताओ, जब हमने क्या किया इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसके प्राइम फैक्टर लोगे ना तो ये तो सारे बनेंगे ही आपके पास, 1 और 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ 7, 2, 9 है ना, तो देखो इसको भी हम कैसे करेंगे, देखो लास्ट में इवन तो नहीं है तो 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा, तो कैसे करें फिर बताओ, इसको क्या करें, ऐड करो 7 और 2, 9, 9 और 9, 18 होता है, तो 9 और 9, 18 हो गया, तो यानी कि ये 3 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 पे जाएगा, तो 3, 2 6, 3, 4 12 एंड 3, 3 9, देखो 2, 4, 3 आ गया, वही नंबर आ गया, तो एक 3 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, फिर देखो वही नंबर आ रहा है हमारे पास, तो यानी कि वही कहानी चलेगी, यही प्राइम फैक्टर्स बनेंगे इसके। अब आगे 3 का आएगा ये 81 हो गया, फिर ये 3, 2, 7 हो जाएगा, 3, 9 3, 3 और ये 1। तो देखो 7, 2, 9 के जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 3, 3, 3 और फिर भी 3, 3, 3। तो ये देखो अब ये परफेक्ट बन गए, समझ रहे हो, 3, 3 के बन रहे हैं ना, और यहाँ 1, 3 कम था तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये यहाँ लिखने का मतलब ये है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो उसने तो यही पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन मैंने आपको आगे की भी कहानी बताई इसमें कि अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो ये नंबर बनेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो आप, तो देख लो परफेक्ट क्यूब बन रहा है अभी, इसमें 3, 3 के पेयर्स होने। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ। तो ये तो बस इस क्वेश्चन में मैंने आपको बतानी थी बात, ठीक है, कि मतलब आगे की कहानी क्या है परफेक्ट क्यूब, तो अब जब हम बनाएंगे तो वो नंबर क्या होगा परफेक्ट क्यूब वाला, तो वो ये होगा। समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है, लेकिन इसने पूछा नहीं आपसे कि क्या नंबर होगा वो, ठीक। तो चलो अब आगे चलते हैं हम इसमें, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो सेकंड पार्ट में 256, तो 256 के देख लेते हैं हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 256 है इसमें, देखो ये इवन है तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 4 एंड 2 8 16, फिर इवन है तो 2 6 2 4, फिर इवन 2 3 2
टू ज़ा, फिर इवन, टू वन ज़ा टू सिक्स ज़ा टू एट ज़ा टू फोर ज़ा एट एंड टू टू ज़ा फोर और ये वन। तो देखो यहाँ पर टू फाइव सिक्स है जो, इसमें ये कितनी बार टू आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट टाइम्स है, तो एट टाइम्स लिख लूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड ये एट। तो इसमें पेयर देखो, ये तीन का बन रहा है, ये बन रहा है, ये रह गए दो। तो यहाँ अगर एक और टू होगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि टू फाइव सिक्स को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसके जब प्राइम फैक्टर्स लूँगा तो यहाँ टू एक्स्ट्रा आ ही जाना है, क्योंकि जब यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब प्राइम फैक्टर लेंगे जैसे मैंने पिछले में बताया आपको, तो यहाँ टू अपने आप ही आएगा। तो सिंपल सी बात बस इसमें याद क्या रखनी है कि यहाँ हमें टू से मल्टीप्लाई ए को करना पड़ेगा, यानी कि टू फाइव सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो यहाँ नंबर बन जाएगा हमारा, क्योंकि एक टू आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि टू फाइव सिक्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किससे, टू से, टू में का परफेक्ट क्यूब। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल कहानी बिल्कुल ही। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं हम। इसके देखो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 72 है, तो 72 लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो 72 ले लेते हैं, 72, तो 72 के लिए करेंगे। देखो 72 में क्या है, 2 इवन है तो ये 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 पे 2 9 ज़ा 18 और ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 और ये 1। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? अब यहाँ पर देख लो 72 के क्या बन रहे हैं हमारे पास, ये 2 2 2 और ये 3 और ये 3। देखो अगर ये परफेक्ट क्यूब करना है हमें तो ये तो तीन के पेयर बन रहे हैं, यहाँ नहीं बन रहे, तो यानी कि एक और थ्री अगर लग जाए यहाँ पर तो ये बन जाएगा, थ्री का पेयर पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि थ्री मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किससे, थ्री से। बताओ जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ देखो 675 है, तो 675 को कर लेते हैं। देखो 675 है, अब देखो ये क्या है हमारा, ओड है 5, तो इस पे तो जाने वाला है नहीं, ये 2 पे, तो 3 पे अगर करना है तो देखो इनको ऐड करो, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है आपके पास, जल्दी से बताओ, 18 होता है, तो 3 पे जाता है, तो 3 पे हम इसको करते हैं। देखो क्लियर हो रही है बातें कि कैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखो 3 पे करते हैं, 3 टू ज़ा 6 एंड फिर 3 टू ज़ा 6 एंड फिर 1 बचा तो 3 5 ज़ा 15, फिर आगे देखो ये ऐड करो 9 बन रहा है तो ये 3 पे ही जाएगा, तो 3 पे करते हैं, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, फिर 7 और 5 12 है, 3 पे ही जाता है, तो 3 का बना लो, 3 टू ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ही नहीं जाएगा ये, अब देखो 3 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ऐड करके 7 आ रहा है, वो तो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो 25 3 के टेबल में आता भी नहीं है। अब आपने देखना है 5 है ना, तो 5 से जाएगा ये, तो 5 5 ज़ा 25 और ये 1। तो अब देखो जो 675 में आपके प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है वो बन रही है 3 इंटू में 3 और ये मतलब 3 बार 3 है ये, और 5 कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो देखो ये तो बन रहा है पूरा 3 वाला कहानी बन रही है इसमें, लेकिन यहाँ नहीं बन रही 3 वाली कहानी। तो इसमें अगर एक और 5 आ जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि 675 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से अगर होगा तो ऑब्वियस बात है फिर उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो वहाँ 5 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हम इसमें लिखना क्या है कि 5 इज़ द आंसर, सीधी सी बात ये है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किससे, 5, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, बताओ आ रही है बातें समझ में? अब आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, तो देखो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पर ये इतना क्यों क्लियर किया आपको, फर्स्ट पार्ट में आपको समझ में आएगी क्वेश्चन में क्या है क्या रहा है वो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना कि बस जो नंबर रह जाता है उसको हमने लिख देना, ठीक है, मतलब भी समझना कि क्या है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 100 है, तो देखो 100 को कर लेते हैं यहाँ पर हम। देखो यहाँ बनाते हैं हम 100 के प्राइम फैक्टर्स, ले लो 100 के, 0 है तो 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा और ये 0, फिर 0 है 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर देखो 25 है तो अगेन ये किस पे जाना है, 5 5 ज़ा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये 25 ऐड भी करेंगे अगर 5 और 2 7 होता है तो वो 3 पे नहीं जाता, फिर हमने देखना है 5 है तो 5 के टेबल पे आपको करना है। तो 100 में जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो इसमें क्या बन रहे हैं, 2 2 5 और ये 5। अब यहाँ ना तो 2 का पूरा 3 टाइम्स आ रहा है और ना ही 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो फिर इसमें क्या करें, मतलब इसमें एक बार तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा इसमें और एक बार 5 भी मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हो या नहीं बात को।
यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई होगा और 5 भी, ताकि 2 का भी कहानी पूरा होए और 5 का भी कहानी पूरा हो। समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ? तो यहाँ पर यानी कि जो अब नंबर हम बोल लेंगे वो 2 और 5 नहीं बोलेंगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पूरा देखो 2 और 5 किया ना तो 5 टू ज़ा 10, यानी कि 10 नंबर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 और 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि 5 टू ज़ा 10 होता है। बात समझ रहे हो या नहीं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड दिखाई दे रहा है ये, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बताओ क्लियर है या नहीं है? बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं यहाँ कि 2 × 5 यानी कि 2 भी लगाना पड़ेगा और 5 भी लगाना पड़ेगा, तो फिर आंसर में क्या लिखेंगे? तो उनको मल्टीप्लाई करो ना, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तभी आएंगे ना जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर बन रहे हो। बार बार ये बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और मेन कहानी क्या है, 2 और 5 मल्टीप्लाई तो 2 × 5 = 10, यानी कि 10 है पूरा नंबर जो कि 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। और ये आपको पता ही है, 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो 1000, और 1000 एक परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन आपको, ठीक है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर है? ओके, थैंक यू।